हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक ऐसे वीडियो में जहां हम नए नए शहरों पर बात करते हैं। आज एक स्पेशल शहर की बात करेंगे जिसे संगीत की नगरी कहा जाता है। एक ऐसा शहर जहां हमारे प्रभावशाली पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। और संगीत नगरी इसलिए क्योंकि यहाँ लगभग 125 साल पहले ही संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जा चुकी थी, जहां पर इतिहास के कई संगीतकार म्यूजिक सीखने की सीढ़ियां चढ़े थे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर की। जी हां, ग्वालियर मध्य प्रदेश के प्राचीन और महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। ग्वालियर भारत की राजधानी दिल्ली से 343 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 414 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। समुद्र तल से 147 मीटर की ऊंचाई पर बसा ग्वालियर शहर लगभग 290 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर अपनी बाहें फैलाया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां करीब 1,54,000 लोग रहते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या को बांटा जाए तो इस शहर का जनसंख्या घनत्व लगभग 5478 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आबादी के हिसाब से ग्वालियर भारत का 49वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। इस शहर की लगभग 87% आबादी पढ़ी लिखी है। 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर यहां 862 महिलाएं पाई जाती हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश में अगर आपको MP07 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाइए ग्वालियर संगीत नगरी की चहल पहल आपका स्वागत कर रही है। अगर बात करें इतिहास की तो कहानी शुरू होती है लगभग 1200 साल पहले। एक सूरज सेन नाम का कैरेक्टर एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। उसका प्राचीन ग्वालियर पर राज हुआ करता था। किसी भी डॉक्टर वैद्य से उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, लेकिन ग्वालिपा नाम के एक साधु ने उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। सूरज सेन उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने अपने इस छोटे से राज्य का नाम ग्वालियर रख दिया। उसके बाद समय गुजरता रहा और ग्वालियर पर गुजर, गजनी, इल्तुमिस और तोमरों का राज भी हुआ। इसके अलावा अंग्रेजी शासन के दौरान सिंधियाओं का भी राज रहा, जो एक मराठा समुदाय है। इसी वजह से यहाँ 2% लोग आज भी ऐसे हैं जो सिंधी और मराठी भाषा बोलते हैं, लेकिन 96% आबादी हिंदी को अपनी मातृभाषा मानती है। ग्वालियर में 88% हिंदू आबादी बहुसंख्यक जनसंख्या को दर्शाती है, जबकि 8.58% आबादी के साथ मुस्लिम समुदाय यहाँ का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। इसके अलावा 2% लोग अन्य धर्मों को भी मानने वाले हैं। बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो ग्वालियर जंक्शन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मेन रेलवे स्टेशन है, जहां से देश के कोने कोने तक ट्रेन जाती है। इसके अलावा ये शहर उन कुछ चुनिंदा शहरों में से एक है जहां ब्रॉड गेज और नैरो गेज लाइंस अभी भी ऑपरेशनल है। ये शहर रोड के माध्यम से देश की राजधानी और अन्य बड़े शहरों से भी जुड़ा हुआ है। ग्वालियर में एक एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से भारत के मुख्य शहरों और टूरिस्टिक शहरों तक सीधी फ्लाइट्स चलती हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट पर ही भारत का एयरबेस भी मौजूद है, जहां मिराज 2000 विमान हर वक्त देश की रक्षा के लिए चौकन्ने रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर YRS को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद टूरिस्ट।